हेलो बडीज, चलो आज चॉकलेट मिल्क शेक का मैं आइसक्रीम रोल ट्राई करने जा रही हूँ। तो मैंने चॉकलेट मिल्क शेक डाल दिया है आइसक्रीम मेकर में, तो ज़्यादा नहीं डालना है, बस 2-3 चम्मच ही काफ़ी है। तो इसके साथ तो दूध डालने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ये मिल्क शेक है तो इसमें दूध वगैरह रहता ही है। और बाहर का मिल्क शेक है, पैकेट वाला है, तो इसमें आर्टिफिशियल जो भी होता है आइसक्रीम मिक्स वो भी होगा ही, तो हमें इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे ही मैंने डाल दिया और ये ड्राई भी होने लगा है। तो हल्का सा मैंने बीट एंड स्प्रेड मेथड कर लिया है इसके साथ। तो अब इसको स्प्रेड कर रही हूँ मैं, ये ड्राई होते जा रहा है, तो देखते हैं कि कैसा रोल निकलता है इसका, परफेक्ट निकलता है या फिर इसमें आइसक्रीम मिक्स मुझे डालना चाहिए था। तो मैंने विदाउट डाले ही ट्राई किया है, देखते हैं कि इसमें डालना पड़ता है या नहीं। तो ये ड्राई होने लगा है, चलो रोल निकाल के ट्राई करते हैं। तो वाह, एक तो रोल अच्छा निकल रहा है, तो नीचे का हल्का सा गीला रह गया शायद। तो चलो एक आइसक्रीम बाउल ले लिया मैंने, उसमें फटाफट से निकाल रही हूँ मैं। वाह, इट्स परफेक्टली रोलिंग, रोल हो रहा है अच्छे से, तो परफेक्ट बन गया है। इसमें मुझे आइसक्रीम मिक्स की ज़रूरत नहीं थी। तो इसको टेस्ट करके देखते हैं कैसा लग रहा है। तो टेस्ट में भी काफ़ी अमेजिंग लग रही थी, मतलब एकदम चॉकलेट आइसक्रीम की तरह ही लग रहा था, लग मिल्क शेक का कुछ टेस्ट नहीं आ रहा था इसमें एकदम। तो ऊपर से मैंने थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डाल दिया, थोड़ी सी पर्क पड़ी थी मेरे पास तो उसको भी मैंने हाफ हाफ तोड़ के डेकोरेट कर दिया उसके साथ। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।